धान का सीजन शुरू हो चुका है और मंडियों में धान की आवक शुरू हो गई। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये कैथल की अनाज मंडी है और आप देख सकते हैं कि धान से जो मंडी है वो अटी पड़ी है। लगातार किसान धान लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रशासन किसानों के लिए हमेशा जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाता है। इसमें पानी की सुविधा हो, इसके अलावा धान की जो ये कह सकते हैं कि उनको सुविधाओं देने की बात हो, हर चीज़ के लिए जो जिला प्रशासन है, सरकार है, वो प्रतिबद्ध है और किसानों को सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाती है। अफवाहें ये थी कि मंडी में जो धान की बिक्री नहीं हो रही थी, इसको लेकर हम जो मंडी सेक्रेटरी बसाराम जी हैं उनसे बातचीत करते हैं। बसाराम जी, कौन कौन सी धान मंडी में आ रही है, कितनी धान अभी तक आ चुकी है? जैसे हमारे यहाँ पर 1509 जो किस्म है जो जल्दी आती है वो आ चुकी है। लगभग 2,33,000 क्विंटल के आसपास हमारे पास आ चुकी है और वो सही रेट पे बिक रही है। इस बार थोड़ा रेट पिछली साल से कम है किसानों का। और दूसरा पीआर धान है वो लगभग अब 1,83,000 जो अब तक का डाटा है वो हमारे पास आ चुकी है और 2900 गेट पास अभी तक कट चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये अफवाहें हैं कि जो धान है वो मंडी में आ रही है लेकिन खरीदारी नहीं शुरू हुई है, खरीद नहीं शुरू हुई है, क्या ऐसी कोई अफवाह है या कितनी सच्चाई है? देखिए, चुनाव का तो मैं कोई इशू इसमें नहीं मानता। नहीं, अभी किसानों ने ये कहा कि धान की जो खरीद है वो नहीं हो रही है, क्योंकि पीछे ये था कि सरकार ने खरीद नहीं शुरू करवाई थी लेकिन एकदम से खरीद हो गई थी किसानों की बातचीत के बाद। क्या अभी भी ऐसी सिचुएशन है या खरीद हो रही है? देखिए, अभी खरीद एजेंसियां अपनी खरीद कर रही हैं तो इसमें गवर्नमेंट के जो पैरामीटर्स हैं, 17 मॉइस्चर की पैडी होनी चाहिए। उस पे हर रोज हम ऑक्शन करवा रहे हैं अब, और लगभग आज तक का डाटा है 33,500 क्विंटल की खरीद हो चुकी है और कोई तो दिक्कत मॉइस्चर, नहीं। मॉइस्चर की आपने बात करी, क्या अलग अलग धान के लिए अलग अलग पैरामीटर है या सभी के लिए सेम? देखिए, इसमें मोस्टली जो मॉइस्चर का जो पैरामीटर पीआर धान के लिए रहता है तो उसमें 17 मॉइस्चर की पैडी यहाँ ली जाती है। चुनाव चल रहे हैं, क्या चुनाव का आवक पे कोई असर है या कोई खास ये है कि असर नहीं देखना? देखिए कि जैसे मंडी में अभी जो धान है, जैसे अभी जो राइस मिलर्स के साथ बातचीत गवर्नमेंट की चल रही है, जिसके चलते थोड़ा सा अभी वो हुआ है धान की बिक्री पे असर। तो मैं चुनाव का तो कोई ज़्यादा असर नहीं मानता, लेकिन देखिए, हम हरियाणा में रहते हैं तो लोग चुनाव में बिजी हो सकते हैं। आवक स्मूथली चल रही है मंडी में, कोई ज़्यादा, जैसे मैं स्पेशली 1509 की बात करूँ तो हमारी जो पिछले साल से जो आवक है इस साल 60,000 क्विंटल हम प्लस में है अभी। तो किसानों की सुविधाओं की बात करें या मंडी में जो कार्य पूरे करने, तो क्या वो सारे कंप्लीट हो चुके, किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं? मेरे हिसाब से जैसे जो हमारी मार्केट कमेटी के जितने भी प्रकार के हमारे प्रोक्योरमेंट से जुड़े सभी कार्य हमने सभी संपन्न कर लिए हैं। सभी गेट पास प्रॉपरली कट रहे हैं, हमारे जितने भी गेट हैं वो सभी वहाँ ऑपरेटर अपॉइंट हैं और हमारे सभी कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आपके सामने ही है कि हम अभी 7, 6:30 हुए हैं तो हम सारे कर्मचारी यहीं मौजूद हैं मंडी में, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अटल कैंटीन है हमारी, बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा खाना यहाँ मिल रहा है। और इसके अलावा जैसे पानी की व्यवस्था हमारी प्रॉपर है। पिछले जैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी अगले वाली मंडी में, क्योंकि वहाँ थोड़ा लेट अराइवल शुरू होती है, हमने कल वाटर टैंकर लगवा दिए और दोबारा से मैंने एक एक मतलब जैसे टंकी को चेक करवा के प्रॉपर, सीजन से पहले भी हम सारे काम संपन्न करवाते हैं। और बरसात को लेकर सिक्योरिटी है किसानों की कि उनका जो अनाज है, उनकी जो धान है वो खराब ना? देखिए, बरसाती पानी के लिए हमने अब नया सीवर मंडी में डलवाया है, अभी वो प्रॉपर चालू हुआ नहीं, लेकिन पीछे वाले सीवर में भी हमारा प्रॉपर काम चल रहा है। और मंडी के अंदर, जैसे एडिशनल मंडी के अंदर, अभी हम पहले 2 शेड होते थे, अब हमारे पास 5 शेड हैं और 1 शेड का और टेंडर लग चुका है, वो आफ्टर इलेक्शन काम उसका शुरू हो जाएगा। थैंक यू।
ओके वेलकम। तो ये थे हमारे साथ मंडी सेक्रेटरी बसावराम जी, जिन्होंने बताया कि किसानों को सुविधाएं प्रॉपर मिल रही हैं, मंडी की जितनी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली है। लेकिन जो धान की एक अफवाह थी कि जो धान की खरीद है वो नहीं शुरू है, वो अफवाहें थी। धान की आवक भी शुरू है, धान की खरीद भी प्रॉपर तरीके से हो रही है। इसलिए किसानों से अनुरोध है कि वो अपनी धान मंडी में लेकर आए, प्रशासन की तरफ से, मंडी प्रशासन की तरफ से उन्हें पूरा सहयोग दिया जाएगा। कैथल से वीरेंद्र पुरी, सूर्य समाचार।